तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर लो। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है, जेईई मेन सेशन वन का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी आउट हो चुका है, ठीक है। और आई होप आप सभी का अच्छा परसेंटाइल आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप सेकेंड अटैम्प्ट दे लो और इससे पहले वाला वीडियो देख लो कि कितने परसेंटाइल पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिहार में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके रैंक उतने हैं, परसेंटाइल उतने हैं, तो आपको बिहार इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। टॉप 5 का कटअप भी मैंने बता दिया है, टॉप 10 का भी कटअप बता दिया है। सारा आप जाके मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पहले से ही अपलोड है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको कौन कौन सी ऐसी गलती है जो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले आपको नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है और टोटल सीट कितने हैं इस पर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, आई थिंक इस बार मॉपअप राउंड नहीं होगा क्योंकि पिछले बार भी नहीं हुआ था। और मॉपअप राउंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो BCEC वाले कैंडिडेट हैं उनको मतलब बहुत सारे सीट पे फाइट करने का मौका नहीं मिल पाता है, बहुत सारे ब्रांच उन लोगों को नहीं मिल पाता है। जब वो भी 1100 का 1200 का फॉर्म दे के BCEC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब वो भी एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, तो मतलब बनता है ना भाई, उनका भी हक बनता है। इस वजह से मॉप अप राउंड नहीं रखा गया, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। तो ऐसा ही है और अभी भी 2024 में भी मॉप अप राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए उसका चॉइस फिलिंग आप सबसे फर्स्ट करिएगा। जैसे आपको टॉप 5 कॉलेज चाहिए और आपके परसेंटाइल अच्छे हैं तो आप सबसे पहले टॉप 5 कॉलेज ही सेलेक्ट करना, ठीक है। वही कॉलेज जो मिल जाए आपको, जो कॉलेज चाहिए उसको नंबर 1 पे रखना। क्या बताया मैंने आपको, जो कॉलेज चाहिए उसको नंबर 1 पे रखना। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। ये गलती कभी मत करना मतलब कि आपको जो कॉलेज चाहिए उसको नीचे नहीं रखना, आपको जो कॉलेज चाहिए उसको सबसे पहले रखना, ठीक है। और क्या, और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? आपको जो भी ब्रांच चाहिए, ठीक है, पहले से ही आप सोच लो कि मैं, मुझे ये ब्रांच में इंटरेस्ट है, मैं ये ब्रांच लेके अगर पढ़ूंगा तो अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप पहले से ही सोच लो कि मुझे कौन सा ब्रांच में इंटरेस्ट है और कौन सा ब्रांच मेरे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में आपको पेपर बैक लगते हैं, फेल हो जाओगे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो वो सब परेशानी नहीं झेलना है, इसीलिए पहले से ही सोच लो कि आपको कौन से कॉलेज और कौन से ब्रांच आपके लिए बेहतर है, आपको इंटरेस्ट उसमें जगेगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको लोवेस्ट कॉलेज मिलता है, मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाता है, आप चॉइस फिलिंग सारे कॉलेजेस का करना। ऐसा भी नहीं करना, एक और बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं करना कि आपकी 80% है, आप केवल टॉप टॉप कॉलेजेस में सेलेक्ट किए हो और बाकी सब सारे कॉलेजेस छोड़ दिए हो। तो ऐसा क्या होता है ना कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होता और सेकेंड राउंड में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपको फिर कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इससे पहले वाले 2023 में बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज किए सर मॉप अप राउंड होगा या नहीं होगा, बट मैंने बोला नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती आपको इस बार नहीं करना है, दोहराना नहीं है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट सारे कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में डालना है, जैसे कि टॉप 5 तो आपको चाहिए ही, ठीक है, तो आप सारे सेलेक्ट करके डाल दो। अगर टॉप 5 में से नहीं मिलेंगे तो कोई ना कोई कॉलेजेस आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, आप वहां जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो और फिर सेकेंड राउंड में अगर आपको टॉप 5 में से कोई मिल जाता है तो आप वहां जाकर एडमिशन करवा लो। मतलब ये सब सारी बातों को आपको पहले से ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब नजदीक आ जाता है ना तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा के गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं दोहराना है, ठीक है, आपको इस बार कोई भी गलती नहीं करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर देने के लिए हमेशा फ्री हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए हमेशा फ्री हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई मत भूलना, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अभी से ही अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लो, ठीक है। जिनको भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है ना, वो अभी से ही अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा मेन रोल है बिहार इंजीनियरिंग में, ठीक है। और एडमिशन फी ये सब तो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर बिहार इंजीनियरिंग में टोटल सीट कितने हैं। देखो, पिछले बार जो सीट थे वो 10,865 सीट थे, ठीक है, टोटल कितने थे 10,865, ठीक है। अभी इस बार हो सकता है कि एक दो ब्रांच ऐड हो तो कुछ सीटें इंक्रीज हो, लेकिन पिछले बार कितने थे 10,865। आई थिंक इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 11,500, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब मतलब नए ब्रांच मुझे नहीं लगता है कि कॉलेजेस ऐड करेंगे। हाँ, जिस कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस नहीं थे उस कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डालेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 11,000-12,000 टोटल सीट जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए।
लिए, और क्या फ़ायदा है, क्या मतलब कितने फ़ी लगेंगे, अब बिहार इंजीनियरिंग से करना इंजीनियरिंग अच्छा होगा या नहीं होगा, इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर बना के डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।